ने लिया और भारत के बीच खेली गई 3 मैचों की को भारतीय टीम ने विराट कोहली की कप्तानी में 2-1 से अपने नाम कर ली है। सीरीज के तीसरे और निर्णायक वनडे मैच मेलबर्न क्रिकेट मैदान में खेला गया, जिसे भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराते हुए जीत लिया है। भारत ने मेलबर्न वनडे जीतकर सीरीज की अपने नाम इस करो या मरो के मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान ने टॉस अपने पाले में गिरने के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए खराब प्रदर्शन करते हुए 50 ओवर खेलने से पहले ही 230 रनों पर सिमट गई। भारतीय टीम को मैच और सीरीज जीतने के लिए 231 रनों का लक्ष्य मिला, जो मुश्किल नहीं था। इस मैच में भारतीय टीम की सलामी जोड़ी तो खास नहीं कर सकी, लेकिन धोनी, कोहली और केदार जाधव की उपयोगी पारियों के दम पर भारत ने 49.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। युजवेंद्र चहल ने तय की भारतीय टीम के लिए जीत की मंजिल। इस मैच में भारतीय टीम के रिस्ट स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। युजवेंद्र चहल को इस सीरीज में पहली बार मौका मिला, जिसे उन्होंने बेहतरीन तरीके से भुनाया। फिरकी गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने 10 ओवर के कोटे में महज 42 रन देकर 6 कंगारू बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। युजवेंद्र चहल को इस प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया।